दिग्रस शहर के मॉनिटर क्लब स्कूल के मैदान पर 13 अगस्त 2024 को दिग्रस तालुका स्तरीय शालेय क्रीड़ा स्पर्धा का उद्घाटन समारोह बड़े ही जोशो खरोश के साथ संपन्न हुआ। स्पर्धा के पहले दिन खो खो खेल प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें खो खो खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल प्रदर्शन किया। दिग्रस तालुका स्तरीय शालेय क्रीड़ा स्पर्धा 2024-2025 का आगाज हो चुका है। क्रीड़ा व युवक सेना संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे तथा जिला क्रीड़ा अधिकारी व जिला क्रीड़ा परिषद दिग्रस की ओर से आयोजित खेल स्पर्धाओं में बैडमिंटन, शतरंज, योगासन, कुश्ती, फुटबॉल, खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट आदि खेलों का समावेश है। इस आयोजन के तहत दिग्रस शहर के मॉनिटर क्लब स्कूल के मैदान पर 13 अगस्त को दिग्रस तालुका स्तरीय शालेय खो खो स्पर्धा का उद्घाटन समारोह बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस खेल स्पर्धा का उद्घाटन समारोह प्राध्यापक पाठक सर, पूर्व क्रीड़ा शिक्षक सुरेश शर्मा सर, मुख्याध्यापक गावंडे सर की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस खेल प्रतियोगिता में दिग्रस तहसील की विभिन्न स्कूलों की कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया है। पहले दिन हुई खो खो खेल स्पर्धा का मुकाबला श्यामा नाइक विद्यालय साखरा की छात्राओं ने जीता। वहीं लड़कों के मुकाबले में सावंगा परिसर में स्थित सैनिक विद्यालय ने बाजी मारी। इस खेल स्पर्धा के दौरान क्रीड़ा संयोजक फैजान सर, स्वास्तिकर सर, गलाट सर, इंगड़े सर, उमेश भटकर सर, फारूक चौहान सर, कुणाल असवार सर, अजीम सर, सादिक गारवे सर आदि क्रीडा शिक्षक उपस्थित थे। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान।